हेलो गाइस, वेलकम टू याशिका टीचिंग। मैं आज आपको बोट नेक में डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। ब्लाउज की लेंथ रहेगी 14.5 इंच। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। इसका शोल्डर है 7.5 इंच, चेस्ट है 35 इंच और इसकी वेस्ट रहेगी 29 इंच। इसकी आर्म होल की लेंथ हमने 6.5 इंच की ली है। अब हम बकरम को डिज़ाइन करेंगे। बकरम डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ कागज़ बकरम का यूज़ किया है। अब हम इसको फोल्ड करने के बाद मेन फैब्रिक के साथ पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हम इसको नेक डिज़ाइन करेंगे। नेक की विड्थ ली हमने 4.5 इंच और नेक की लेंथ लेंगे 10.5 इंच। इसके बाद हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। 4 इंच लेंथ लेंगे। इसके बाद 10 इंच की लेंथ से 4 इंच की विड्थ को मिला देंगे। इसके बाद हमने जो 4 इंच लेंथ ली थी उस पर एक लेयर लगाएंगे और ऊपर से हम बोट का शेप देंगे। हमें इस तरीके से नीचे का शेप देना है। इसके बाद हम आधा इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। इसके बाद हमें नेक कट करना है। नेक कट करने के लिए हम इसको इस तरीके से पिनअप करेंगे और अब हमारा नेक कट हो रहा है। गाइस, बकरम कट हो गया है। इसके बाद हम इस तरीके से नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें बकरम को प्रेस करना है। हम चिकने वाली साइड को कपड़े के ऊपर रख देंगे और इस तरीके से बकरम को चिपका लेंगे। बकरम चिपक जाने के बाद इसको देखेंगे कि सेम एक जैसा लगा है कि नहीं दोनों तरफ से। इसके बाद हम इसको प्रेस करके एक बीच से एक लेयर ले लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन कट हो चुका है। अब हम इसके मार्जिन में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगकर तैयार है। अब हम ऊपर के साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद मेन फैब्रिक और बकरम के नेक को एक दूसरे के ऊपर रख के पिनअप करना है। पिनअप करने के बाद हमें इस तरीके से नेक पर शेप लगाना है। नेक पर शेप लगकर तैयार है। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। कपड़ा कट हो चुका है। अब हम इसमें हल्के हल्के कट लगाएंगे। नेक में कट लगाने के बाद हम बकरम को पलट लेंगे। क्रोशिए से हम इसकी नोक निकाल लेंगे। हमारा नेक पलट चुका है। अब हम इसमें एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। हमारी नेक पर सिलाई लग चुकी है। मैंने डोरी बनाया था। अब डोरी को हम इस साइड ऐड करेंगे। डोरी को हमेशा लेफ्ट साइड लगाएं। मैंने इसी कपड़े की बटन बनाई हुई है। मैं उसको ऐड कर आपको दिखाती हूँ। अगर आप कपड़े की बटन बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। बहुत ही जल्द हम आपके लिए बटन का वीडियो भी लेकर आएंगे। इस तरीके से बटन को टक दिया है। इसके बाद इस होल पर बटन को ऐड कर देंगे। देखिए, इस तरीके से बोट नेक का कम खुले गले का
ब्लाउज बनकर बैक साइड का पल्ला बनकर तैयार।